तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो को सर्च में कैसे लेके जाने। एंड तुम देख सकते हो मेरी हम प्रूफ दिखाएंगे, मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज सर्च से आए हैं। जो भी व्यूज आए हैं भाई, कम से कम अगर 10% बाकी ऑडियंस से आए एंड 90% व्यूज सर्च से आए। ठीक है, आपको कौन सा कीवर्ड लगा रहा है, कौन सा एप्लीकेशन, आज की वीडियो में हम बताने वाले। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी। यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई, हमारे व्यूज में 33 व्यूज, 34 व्यूज एंड 38 व्यूज। ठीक है, अब आने लगे, पहले 22 व्यूज, 15 व्यूज ऐसे आते थे। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं सर्च से कैसे व्यूज आए, कौन सा एप्लीकेशन है। तो पहले तो आपको प्रूफ दिखाते हैं एंड यहाँ पर आपको लेके चलते हैं। 24 व्यूज यहाँ पर दिखा रहा है एंड व्यू मोर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ भाई, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे को कहाँ से मिला है। यहाँ पर तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे को सर्च से मिला है। जो भी व्यूज आया है सबसे ज़्यादा व्यूज सर्च आया। एंड मैं आपको सेकंड वीडियो को दिखा देता हूँ भाई, सेकंड वीडियो में भी ऐसा हुआ। ठीक है, सेकंड वीडियो में भी हमको सर्च से व्यूज मिला है भाई, जिससे जब से मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जब से लागू किया, उसके बाद में मेरे पास भी सर्च जाने लगे। तो आज की वीडियो हम बताने वाले कौन सा एप्लीकेशन है। एंड यहाँ पर आपको मैं रीच में जाके दिखा देता हूँ भाई। रीच में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो भाई, YouTube सर्च से 47% व्यूज मिला है एंड बाकी मेरे को बाकी ब्राउज फीचर से एंड बाकी नोटिफिकेशन एंड चैनल पेज से मिला है। ठीक है, एंड मैं आपको तीसरी वीडियो में प्रूफ दिखा देता हूँ भाई, सबसे ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत होती है। एंड मैं आज की वीडियो में प्रूफ दिखा रहा हूँ, प्रूफ की कभी नहीं। एंड तीसरी वीडियो भी आप देख सकते हो भाई, सबसे ज़्यादा व्यूज सर्च से मिला है 44%। एंड उसके बाद आपको मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ, एप्लीकेशन कौन सा है भाई। आज की वीडियो पे स्टार्ट करते भाई, एप्लीकेशन का नाम है #you। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर सर्च करना है #you एंड उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है एंड फाइंड कीवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको कुछ लिखने के लिए बोला जाएगा, जो भी आपका टाइटल है यहाँ पर आप टाइटल डालो एंड आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, अपनी वीडियो का SEO कैसे करें, मैं ये लिखता हूँ। ये लिखने के बाद आप देख सकते हो कितने सारे, ठीक है, कीवर्ड मिल जाते हैं। जो टॉप पर 5 वीडियो सर्च पर आती है उनके कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड 5 वीडियो का कीवर्ड मिलेंगे जो टॉप पर आ रहे हैं। रिसर्च करने के बाद आपको एक ऐड देखने के लिए मिलेगा, ऐड को कट करना है एंड जैसे ही आप ऐड को कट करोगे आपको 5 वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। मेरे वीडियो में ऐड आ चुका है एंड ऐड कट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ भाई 5 वीडियो। टॉप 5 वीडियो का यहाँ पर देख सकते हो, ये पहली वीडियो जिसके टॉप कीवर्ड आपको मिल चुके हैं एंड आप स्क्रॉल करोगे आपको और भी कीवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, एंड इस ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, ये भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, मतलब कि टॉप 5 वीडियो के आपको कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 वीडियो के एंड 5 वीडियो में एक भी कीवर्ड नहीं मिला, 4-5 वीडियो के आपके कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इनको कॉपी कर रहा है, कॉपी कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको हर कीवर्ड पर क्लिक करना है एंड बीच वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपको कोई भी अननोन नंबर पे, मतलब कि ऐसा नंबर हो, खुद का नंबर हो, ठीक है, उस पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं एंड सारे कीवर्ड को आप धीरे धीरे करके कॉपी करने के बाद आपको व्हाट्सएप में अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप जैसे वीडियो बनाते हैं आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा आपको मैंने शुरुआत में प्रूफ दिखाया है प्रूफ के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके 5 वीडियो को कीवर्ड आपको उठाना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा, 4-5 दिन पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो भाई मैंने कितने कीवर्ड लगा के रखे हैं एंड उसके बाद आपको